हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बिलासपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो बिलासपुर जिला, यह जिला भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिलों में से एक बिलासपुर जिला के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस बिलासपुर शहर में मौजूद है, और बिलासपुर जिला बिलासपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। बिलासपुर जिला होने के साथ साथ बिलासपुर मंडल का हेडक्वार्टर भी है। बिलासपुर जिला मुंगेली जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चंपा जिला और रायगढ़ जिला, ये सभी बिलासपुर मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। बिलासपुर जिले का गठन सन 1861 ईस्वी में किया गया था। बिलासपुर जिला के उत्तर दिशा में कोरिया जिला, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, पश्चिम दिशा में मुंगेली जिला और कबीरधाम जिला, दक्षिण दिशा में बदौल बाजार भाटापार जिला और पूर्व दिशा में कोरबा जिला, जांजगीर चंपा जिला से घिरा हुआ है। बिलासपुर जिला में 3 तहसील, 7 ब्लॉक, 23 पुलिस स्टेशन, 1 नगर निगम, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 3 सरकारी अस्पताल, 3 विश्वविद्यालय, 11 शहर, 645 ग्राम पंचायतें और 909 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 5,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिलासपुर जिला की कुल आबादी 26,63,629 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 13,51,574 है और महिला की कुल आबादी 13,12,555 है। बिलासपुर जिले का औसत लिंगानुपात 970 के करीब है, यानी कि यहां पर 1,000 पुरुष पर 970 महिला हैं। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, पंडित द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय, चितनी मितानी दुबे महाविद्यालय, ये सभी बिलासपुर जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम कानन पेंडरी चिड़ियाघर, तालागांव रुद्र शिव की प्रतिमा, सेत गंगा का श्री राम जानकी मंदिर, मनोरंजन पार्क आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग देश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 130 और 111 गुजरती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बिलासपुर जिला रेलवे स्टेशन के व्यस्तम रेल मार्गों में से एक है, और यह ज़िला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। दोस्तों, बिलासपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।